साइबर, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर। इसके पहले प्रीवियसली सारे क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं 4 to 12 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के। अभी तक आपने नहीं देखा और देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाओ और सारे 4 to 12 स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको पूरे सीरियल वाइज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द चैप्टर, ठीक है, फाइंड फ्रॉम द चैप्टर। ये आपको चैप्टर से फाइंड करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो पहला क्वेश्चन है ग्रेव डेंजर इन द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज, कि मतलब ग्रेव डेंजर क्या था शिवाजी महाराज की लाइफ में। तो चलते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ। देन द आंसर इज इवेंट लाइक मीटिंग विथ अल्फाज खान, द सीज ऑफ पनहालगढ़, द अटैक ऑन शायस्ता खान, द एस्केप टू विशालगढ़ कॉन्करिंग ऑफ द सिंघाड़ एंड द एस्केप फ्रॉम आगरा इन्वॉल्व द ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क टू द लाइफ ऑफ शिवाजी। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को कहा मौत के कुएं में ढकेलने, जैसे इसको बोलते हैं, वो वाला रिस्क लिया था, ठीक है। फिर अपने आप पे बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्क देयर लाइफ एट द टाइम ऑफ महाराज एस्केप फ्रॉम आगरा, ठीक है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देखो ये आंसर है, फिर आपका ये सेकंड का आंसर है, कौन था? हीरोजी फरजान एंड मदारी मेहतर, इन दोनों लोग ने अपनी लाइफ को क्या क्या था रिस्क में डाला था, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वार्निंग डिड शिवाजी महाराज इश्यू टू द देशमुख ऑफ रोहिदा वैली। तो चलते हैं डायरेक्ट फिर इसके आंसर की तरफ। देन ये रहा आपका नेक्स्ट आंसर, ठीक है, देख लो इसको, कॉपी कर लो। एंड हाँ यार, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ ये सारे जो भी आप वीडियोस देखते हो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो यार मेरे लिए भी कुछ हो जाएगा, हो सकता है उनको अच्छा लग जाए और वो भी सब्सक्राइब कर दे, तो ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंस्पिरेशन कैन फ्यूचर जनरेशन ड्रॉ फ्रॉम द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज। तो चलते इसके आंसर की तरफ। देन ये रहा आंसर, देख लो इसको, यहाँ से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट अबाउट इट्स इन योर ओन वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वार्निंग डिड शिवाजी महाराज इश्यू टू द हिज सोल्जर टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ राइट्स, ठीक है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। एंड ये है आंसर, देख लो इसको, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले, सारे चैप्टर के 4 to 12 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बहुत सारे ट्रिक्स और हैक्स भी मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी नो द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ टॉलरेंस। तो चलते हैं डायरेक्ट फिर इसके आंसर की तरफ। देन ये आपका आंसर, देख लो इसको, यहाँ से आराम से कॉपी कर लो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक्सप्लेन शिवाजी महाराज पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी, आर्मी के लिए शिवाजी महाराज की क्या पॉलिसी थी, है ना, वो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये रहा आपका शिवाजी महाराज मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन हिज आर्मी, अपनी आर्मी में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखते थे वो, क्योंकि आर्मी वगैरह क्या है ना, उसको दुश्मनों से लड़ना होता है ना, तो इसलिए उसके लिए जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते हैं वो कभी कभी उसी के बहुत काम आते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर ऑल, है ना, ये सारे के लिए वन वर्ड का आंसर देना, ये चार क्वेश्चन है ना, तो मैं चारों क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ पहले, फिर क्योंकि डायरेक्ट इसके मैंने चारों के आंसर एक साथ लिख के रखे हैं ना, नहीं तो आप क्या करो वन बाय वन क्वेश्चन आंसर लिख लो सबके लिए, एक एक लाइन का छोड़कर रखो, है ना, स्पेस आंसर डाल के एक एक लाइन स्पेस छोड़ के रखो और डायरेक्ट आप वहाँ से आंसर कॉपी कर लेना जो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, है ना, क्योंकि सब वन वर्ड के आंसर है। तो देख लेते हैं सारे क्वेश्चन, देख लो एक बार सबके लिए, एक एक लाइन छोड़ के रख दोगे ना तो आपका फटाफट टायर से जाके वहाँ से आगे आंसर कॉपी कर लेना। तो चलते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ। देन ये फर्स्ट का आंसर है दौलत खान, सेकंड का आंसर है सुब्रमण्यम भारती, थर्ड का आंसर है छत्रसाल और फोर्थ का आंसर है महात्मा ज्योतिराव फुले। तो
तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और आपको कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि मुझे ना क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, या क्या और मैं नया चैप्टर कर सकता हूँ, मतलब एक्सप्लेनेशन का कुछ अलग वे से चाहिए आपको कि नहीं इस तरीके से एक्सप्लेन करो, ये सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर या एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दो, है ना। और प्लीज़ मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जितनी ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो यार वीडियो, हो सकता है उनको अच्छा लग जाए। थैंक यू।